हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय शर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम आए हैं मुंबई के जू में, जिसे हम रानी बाग भी कहते हैं। आज मैं और मेरा दोस्त प्रमोद, हम दोनों साथ में मिलकर एक्सप्लोर करेंगे रानी बाग को। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा कि कैसा यहाँ पे क्या क्या कौन कौन से एनिमल्स हैं। मैंने सुना है यहाँ पे पेंगुइन्स भी हैं, तो वो भी हम देखेंगे अभी। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, यहाँ पे काफ़ी कुछ एक्साइटिंग है जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ वीडियो में। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं रानी बाग। सो फ्रेंड्स, अभी हम अंदर आए हैं और यहाँ पे मेरे बैक साइड में देखिए, यहाँ पे टिकट काउंटर है। तो वहाँ से अभी हमने टिकट ली है। तो वहाँ पे आप ऑफलाइन भी टिकट ले सकते हो, जो कि काउंटर टिकट होती है, और आप ऑनलाइन भी टिकट निकाल सकते हो। तो अभी मेरे दोस्त ने अभी ऑनलाइन टिकट निकाला है, 50 रुपीज़ पर एडल्ट का है। और उसके लिए आप कैमरा के लिए अलग चार्जेस हैं। जैसे अभी हमें वीडियो शूट करना था तो हमें 300 रुपीज़ पे करना पड़ा। अगर आपको सिर्फ फोटोग्राफी करना हो तो आप 100 रुपीज़ का टिकट ले सकते हो कैमरा के लिए। तो यहाँ पे अभी जैसे टिकट काउंटर देखा, और यहाँ पे पूरा पार्किंग एरिया है। अगर आप 2-व्हीलर 4-व्हीलर लेके आए तो यहाँ पे अंदर पार्किंग भी है, तो आप पार्क भी कर सकते हो गाड़ियों को। और अभी यहाँ पे देखिए, ये मेरे बैक साइड में यहाँ से एंट्रेंस गेट है। अभी हम अंदर चल के देखते हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने ज़रूर रहिएगा, ताकि आपको पता चले अंदर कौन कौन से एनिमल हैं और कैसे कैसे रहते हैं वहाँ पे। सो फ्रेंड्स, अभी हम अंदर आ चुके हैं। वहाँ पे अभी टिकट चेक हुआ था, तो हमने टिकट दिखाया और यहाँ पे अभी जस्ट एंट्री लिया है। और यहाँ पे अभी मैप है, जो कि ज़ू का मैप है, उसे देख के भी हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें पता चलती है। तो चलिए आगे चल के एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आगे आने के बाद हमें ये तोप दिखी, शायद ये तोप ही है, काफ़ी पुरानी है ये। और चलिए थोड़ा सा और आगे चल के देखते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे शायद ये चिंपैंजी का स्टैचू बनाया हुआ है, और यहाँ पे बच्चे लोग फोटो खिंचा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एलिफेंट है, और काफ़ी यहाँ पे अंदर आप देख रहे होंगे दो आदमी भी हैं जो शायद यहाँ पे टेक केयर करते हैं ये एलिफेंट के, वो हैं। इनके साथ में काफ़ी फ्रेंडली हैं ये, तभी तो अंदर घूम रहे हैं ये। बाकी काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे एनिमल्स को देख के। एलिफेंट के जस्ट साइड में यहाँ पे देखिए दोस्तों, लॉयन का केज है, बट लॉयन है नहीं यहाँ पे। इस पे लिखा हुआ है देखिए पोस्टर्स पे, वेट आई एम कमिंग सून, हमें तो अभी देखने मिलेगा नहीं। थोड़ा आगे टहलते टहलते हम आ गए हैं टाइगर के यहाँ पे, और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। आगे तक पहुँचे हैं थोड़ा, भाई मेरे को आगे जाने दो, वीडियो बनाने का है। सो गाइस, अभी थोड़ा सा आगे आ गए हम लोग, और अभी और आगे आ गए हैं। और ये देखिए, यहाँ से देखते हैं अभी टाइगर दिखेगा, ये रहा टाइगर। सो फाइनली हम पहुँच गए हैं टाइगर को देखने के लिए। देखिए दोस्तों, ये शायद कुछ खा रहा है, ये ऐसे ही खेल रहा है। और ये देखिए दोस्तों, टाइगर के बच्चे दो छोटे छोटे मस्त आराम से नहा रहे हैं भाई, स्विमिंग पूल, टाइगर के बच्चों का स्विमिंग पूल है ये। देखिए कितना मस्ती कर रहे हैं, काफ़ी क्यूट लग रहा है।
यहाँ पे ज़ू में अंदर एक कैफ़े भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कैफ़े वाइल्ड। अगर कुछ खाना पीना हो तो यहाँ पे आप खा पी सकते हो। और थोड़ा सा आगे आने के बाद अभी ये देखिए यहाँ पे मोगली का स्टैचू बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बच्चे यहाँ पे फ़ोटो ले रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे बियर, अभी अभी हम आ गए हैं भालू देखने। ये देखिए यहाँ पे अभी देखते हैं, चलिए थोड़ा सा आगे चल के कहाँ है भालू। ओ ये रहा, ये दोस्तों काफ़ी अंदर बैठे हुए हैं, बाहर नहीं आ रहे और शायद कुछ खा रहा है भालू। कोई बात नहीं, अभी इतने से ही काम चलाना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये बाहर आ नहीं रहे, तो थोड़ा सा जूम करके मैंने आपको दिखाया था अभी। सो फ्रेंड्स, अभी हम देखने जा रहे हैं लेपर्ड और तरस, तो चलिए थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे है तरस। अरे उठ रहा है या नहीं, यही तो निकल रहा हूँ, फिर बोलेगा मेरा फोटो नहीं लिया। अभी जो आपने आवाज़ सुनी वो मेरे साइड में एक अंकल हैं, वो बोल रहे थे। सो अभी ये तरस जो है वो सो रहा है, आ तो नहीं रहा है, सोचो वो अंकल के बोलने पे भी नहीं उठ रहा है ये। चलो कोई नहीं, तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम लेपर्ड देखने आए थे बट वो दिखा नहीं, अंदर था केज में। तो और भी काफ़ी कुछ हमने अभी देख लिया है और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत ही अच्छी प्लेस है। और आप भी आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में यहाँ पे विज़िट कर सकते हो। ये मुंबई का वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे जो भी मुंबई में टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पे ज़रूर आते हैं, क्योंकि ये एक लौता ज़ू है मुंबई का। भाई तेरे को कैसा लगा यहाँ पे आके? अच्छा लगा भाई, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैंने पहली बार आया उधर तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे है हिप्पो जो कि बाहर घूम रहा है। काफ़ी कम टाइम ऐसे होते हैं जब हिप्पो बाहर घूमता है, और यहाँ पे काफ़ी लोग ये बोल रहे थे कि आज लगता है हम लोग लकी हैं जो हमें हिप्पो बाहर दिख रहा है, वरना ज़्यादातर ये पानी में ही रहता है एनिमल, बहुत ही रेयरली बाहर निकलता है पानी से। सो वी आर लकी टुडे जो हमें बाहर हिप्पो देखने मिल गया। ये देखिए अभी अंदर चला गया हिप्पो रिटर्न पानी में, यहाँ पे दो हिप्पो है। सो अभी हमने हिप्पो देख लिया, चलिए तो थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ पे सांबर है जो कि एक हिरण की प्रजाति है शायद। ये देखिए दोस्तों सामने ही है, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये है सांबर जो कि एक तो पानी में बैठा है और एक कुछ ढूंढ रहा है शायद। क्या ढूंढ रहा है भाई, नहीं बताया? चल कोई ना, चलिए तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। थोड़ा सा आगे आने के बाद हमें यहाँ पे दिखा माकड़ जो कि बंदर होता है। और ये देखिए कि यहाँ पे भी काफ़ी क्राउड है, ये देखिए बंदर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। और ये देखिए शायद ये एक दूसरे की नकल कर रहे हैं बंदर। फ्रेंड्स भाईकला ज़ू आने के लिए आपको भाईकला स्टेशन उतरना पड़ेगा जो कि मुंबई सेंट्रल लाइन में आता है। आप मुंबई में कहीं से भी आ रहे हो तो आपको भाईकला स्टेशन आना है, और वहाँ से 10 से 15 मिनट बाय वॉक लगता है यहाँ पे ज़ू तक आने के लिए, क्योंकि अभी हम बाय वॉक आए हैं तो हमें पता है। और वहाँ से आप टैक्सी से भी आ सकते हो, टैक्सी भी वहाँ पे अवेलेबल रहती है। तो अभी हम लोग ने अभी तक हिप्पो देख लिया है और डियर भी देखा है, अभी हम लोग और स्ट्रेट और बंदर भी देखा, बंदर भी देखा, अभी हम लोग स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहे, देखते हैं और भी कुछ है वहाँ पर। गर्मी बहुत है, पेंगुइन नहीं दिखा यार अभी तक, पेंगुइन आ गए भाई, आगे देखेंगे वो भी, अभी देखते हैं। फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं बारहसिंगा देखने। ये देखिए यहाँ पे है बारहसिंगा,
ये काफ़ी सारे हैं ये देखिए, और एक इनमें से जो बड़ा है उसके शायद सिंग भी काफ़ी बड़े हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ अभी, और ये काफ़ी सारे हैं एक साथ में ही हैं झुंड में। चलिए तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं अगला एनिमल कौन सा है यहाँ पे। और ये देख सकते हो आप, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्पॉटेड डियर, तो अभी देखते हैं स्पॉटेड डियर कहाँ पे है। ये देखिए यहाँ पे जो ये एरिया है ये स्पॉटेड डियर का है, बट शायद दिख नहीं रहे, अंदर होंगे शायद। चलिए तो और आगे चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये पेंगुइन का एरिया है आगे, जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, और काफ़ी लाइन लगा हुआ है वहाँ पे, क्योंकि आज हम वीकेंड्स पे आए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी सामने जो है वो पेंगुइन्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। एक यहाँ पे है जो अकेला खड़ा है, और ये देखिए यहाँ पे दो और पेंगुइन्स हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे पेंगुइन्स हैं, ये देखिए, और एक नीचे ये देखिए तैर रहा है, तैरता हुआ पेंगुइन मैंने पहली बार देखा है रियल में। और ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो फ्रेंड्स, अभी हमने पेंगुइन देखा, काफ़ी अच्छा लगा। वहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी निकाल रहे थे, रुकने नहीं दे रहे थे, और लाइन भी काफ़ी ज़्यादा थी। कैसा लगा भाई तेरे को पेंगुइन देख के? अच्छा लगा भाई, बहुत मस्त। अभी हम जा रहे हैं दोस्तों जंगल में, अभी शेर दिखा नहीं हमें, तो अभी हम शेर को ढूंढने जा रहे हैं। पहले एक वीडियो में डाला है। शेर देखिए। साफ है यार। अरे यार। वो भी नहीं है, फोटो लगाया। कुछ नहीं है, टाइम का। यहाँ पे पीछे सांप भी है। कुछ नहीं है, टाइम। चल जल्दी चलते हैं भाई। थोड़ा जल्दी चल यहाँ से। अभी हम आ गए हैं बर्ड्स पैराडाइज में। अभी हमने एनिमल्स देखे थे, तो अभी हम जा रहे हैं बर्ड्स को देखने। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी टाइप के बर्ड्स हैं। एक तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो मेरे सामने ही है, इसकी चोंच कितनी बड़ी है। और भी काफ़ी सारे बर्ड्स हैं यहाँ पे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पैरेट्स हैं, और ये एक तो शायद सेल्फी लेने आ गया भाई, एक वीडियो बनवाने के लिए आ गया सामने। ये देखिए यहाँ पे पूरा ये पैरेट का ही एरिया है। और ये देखिए एक और पैरेट आया हुआ है यहाँ पे, काफ़ी क्यूट लग रहा है, ये वीडियो बनवाने आया था मेरे पास। ये देखिए और भी काफ़ी सारे पैरेट्स हैं यहाँ पे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मिलिट्री मकाओ भी हैं, और ये देखिए सामने ही एक, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, काफ़ी ब्यूटीफुल है ये। ये देखिए, और यहाँ पे और भी हैं दो और, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक अलग टाइप के पैरेट्स ही हैं। ये देखिए ये भी यहाँ पे, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये थोड़ा सा पीजन टाइप लग रहे हैं, बट ये है पैरेट्स ही। और यहाँ पे देखिए और भी काफ़ी टाइप के बर्ड्स हैं ये, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, छोटे छोटे हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कछुआ है, टर्टल्स, जो कि शायद ये समुद्री कछुआ है। काफ़ी बड़े बड़े नाखून हैं इसके, और ये देख सकते हो दोस्तों आप, काफ़ी बड़े बड़े नाखून और पैर हैं इसके। और एक बच्चा है ये मेरे साइड में जो उसके साथ खेल रहा है। वो काफ़ी
काफ़ी अलग लग रहा है ये देखिए, इसके आप नाखून देख सकते हो दोस्तों, काफ़ी बड़े हैं और ये टर्टल्स काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। ये क्यों भाग गया, ये देखिए दोस्तों ये टर्टल्स बार बार मेरे सामने आ रहा है वीडियो बनवाने के लिए। भाई मेरी भी फ़ोटो ले, हाँ हाँ तेरी फ़ोटो ले रहा हूँ मैं, आ जा। कहाँ गया, ये देखिए काफ़ी सारे टर्टल्स हैं और पहली बार मैंने इतने बड़े टर्टल्स देखे हैं जिनके इतने बड़े बड़े नाखून हैं। और भी काफ़ी टाइप के टर्टल्स हैं यहाँ पे, बट हमें यही पहले दिखे। अभी हम आ गए हैं मगर देखने, यानी कि मगरमच्छ क्रोकोडाइल। ये देखिए वो सामने आपको दिख रहा है पानी के अंदर, बाहर तो नहीं है बट वो पानी के अंदर ही है। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए बाहर नहीं निकल रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है। तो चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं अभी। और ये देखिए कुछ लोग, कुछ बच्चे हैं यहाँ पे जो क्रोकोडाइल के स्टैचू के ऊपर फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं। फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं एक्वा बर्ड्स देखने। ये देखिए काफ़ी सारे एक्वा बर्ड्स हैं सामने, जैसे कि मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी टाइप के एक्वा बर्ड्स हैं जो छोटे भी हैं और बड़े भी हैं। ये देखिए एक एक्वा बर्ड ये है जो थोड़ा सा बड़ा है और काफ़ी बड़े बड़े लेग्स हैं इसके। यहाँ पे और भी काफ़ी सारे एक्वा बर्ड्स हैं, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे एक सामने ब्लैक एंड वाइट कलर में भी है। ये देखिए थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। और एक ये देखिए दोस्तों, ये सब में बड़ा एक्वा बर्ड है यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। अभी हम थोड़ा दूर से देख रहे हैं इसके लिए बड़ा नहीं दिख रहा है, बट ये यहाँ पे सब में बड़ा एक्वा बर्ड यही है। एक ये है और एक ये है, ये देखिए बाकी सब बर्ड्स इनके सामने कितने छोटे छोटे लग रहे हैं। सो फ्रेंड्स अभी हमने मुंबई ज़ू पूरा घूम लिया है, बहुत ही अच्छी जगह थी, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। यहाँ पे हमने काफ़ी सारे एनिमल्स देखे और कुछ कुछ एनिमल्स हम देख नहीं पाए क्योंकि वो शायद अंदर थे काफ़ी, या केज भी होती है उनकी, वो केज के अंदर थे। सो ओवरऑल बहुत ही बेस्ट प्लेस है, आप भी आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में यहाँ पे विजिट कर सकते हो अगर आप एक वन डे पिकनिक डे प्लान कर रहे हो तो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।